Hey guys, this is my YouTube channel. Welcome back. Before we start, make sure you click on the subscribe button. Let's start. महाराष्ट्र 10th जो रिजल्ट है 1 बजे जारी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हैं जो काफ़ी स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम ये आ रही है रिवोल्यूशन या फिर रीचेकिंग को लेकर या फिर इसकी जो फॉर्म की डेट है उसको लेकर, और किस में मार्क्स बढ़ते हैं किस में मार्क्स घटेंगे, कि रिवोल्यूशन में मार्क्स बढ़ने के चांसेस होते हैं या फिर रीचेकिंग में ऐसा होता है या फिर रिटोटलिंग में ऐसा होता है या फिर होता है उनकी कॉपी घर पर ही मंगवाने में, इसकी डेट जो रहती है, इसकी फ़ीस जो रहती है, और उसके बाद जो इसकी जो बाद में भी जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम होती हैं उन प्रॉब्लम के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र टेंथ के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए काफ़ी जो लैपटॉप्स की स्कीम्स है, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, वो बाकी सारे सब कुछ अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहती हैं। दोस्तों, अब मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो 10th महाराष्ट्र SSC का जो रिज़ल्ट आया है तो रिवोल्यूशन और रीचेकिंग में है, जो आपका जैसे ही रिज़ल्ट आता है उसके एक दिन बाद से आपके रिवोल्यूशन, रीचेकिंग और रिटोटलिंग के फॉर्म है जो फिल होना लग जाते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पर अब आपको मैं बता दूँ इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर बने रहेंगे, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, लेकिन यहाँ पर स्पेशल है महाराष्ट्र 10th SSC बोर्ड का, ठीक है। यहाँ पर जो आप है जो क्या कीजिएगा, आप अभी एक क्लिप में आपको दिखाऊंगा इसके बाद से, तो आपको आपका जो मार्क्स आया है, जितने भी मार्क्स आए हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी टीम जस्टिन है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, ठीक है। उसके बाद जो बात आती है कि जो पूरी की पूरी हमारी टीम है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करती है, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे MP बोर्ड हो, चाहे राज बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, HP बोर्ड हो, XYZ, CBSE, RBC जो भी हो, वो हमारी टीम सभी जगह ब्रांचेज हैं, तो वहाँ पर हैं जो सारे के सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर कमेंट हैं, जो सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद जो स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर हैं जो रिसेंट सब्सक्राइबर देखते हैं और रिसेंट कमेंट्स देखते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है 7 मिनट में वो जो है उनका कमेंट अंडर रिव्यू रहेगा, उसके बाद 15 मिनट में आपके कमेंट का है जो जवाब आ जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि आपको जो आपके मार्क्स आए हैं, जो पेपर में आपके मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग, या फिर आपका जो मार्क्स का एल्गोरिथम है एक प्रकार से, उस एल्गोरिथम के अनुसार आपको कौन सा फॉर्म भरना सबसे बढ़िया रहेगा, या फिर आपके मार्क्स जो हैं घटने के चांसेस किस में कम रहेंगे और बढ़ने के चांसेस किस में कम रहेंगे। दोस्तों, तो ये सारे की सारी जो डिटेल है आप सब्सक्राइब बटन करके आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके मार्क्स भेजना है, एक तो आपको सब्जेक्ट वाइज आपको मार्क्स भेजने हैं, और उसके बाद आपको भेजना है आपके जो जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम आपको 15 मिनट के अंदर ही आपको सारी सब कुछ इन्फॉर्मेशन और जो अपडेट रहेगी वो हम आपको बता देंगे। दोस्तों, तो चलिए देखिएगा पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। बैक बिफोर यू स्टार्ट, मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि रीचेकिंग और जो रिवोल्यूशन और जो रिटोटलिंग होती है, या फिर आप जैसे बोर्ड से कॉपीज मंगवाते हो, तो उसमें है जो क्या क्या प्रोसेस होती है, किस में मार्क्स है जो बढ़ने के चांसेस रहते हैं, रिवोल्यूशन में मार्क्स बढ़ने के चांस रहते हैं या फिर रिटोटलिंग में रहते हैं, या फिर आप कॉपी मंगवाते हो जिसमें हैं आपको मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं, और इसकी जो प्रोसेस होती है बोर्ड के द्वारा वो कितने दिन लग जाते हैं, और इसका जो रिज़ल्ट आता है वो कब आता है, और किस ट्रिक से, या फिर अपने को रेवोल्यूशन या फिर रीचेकिंग का जब हम फॉर्म भरते हैं तो तब अपने को किन 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ये सारे की सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप ऐसी अपडेट्स पाने के लिए या फिर आप ऐसे अपडेट्स में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई प्रॉब्लम है रिवोल्यूशन या फिर रीचेकिंग से संबंधित, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो ऑल इंडिया में, चाहे वो RBSE हो, CBSE हो, BSEH हो, ठीक है, कोई सा भी हो, हिमाचल प्रदेश बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, एनी A to Z कोई सा भी बोर्ड हो, आपको रिवोल्यूशन या फिर रीचेकिंग में प्रॉब्लम है, तो आप हैं जो सब्सक्राइब बटन दबा के उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, और विद इन 15 मिनट्स के अंदर, आपको 15 मिनट के अंदर ही हमारी जो टीम है वो आपको है जो रिप्लाई दे देगी। दोस्तों, वो भी एकदम अच्छी वाली सलाह आपको देगी, बिल्कुल अच्छे से सजेस्ट करेगी आपको
तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि रिवॉल्यूशन क्या होता है। रिवॉल्यूशन का मतलब वो होता है जैसे कि आपकी कॉपी में है कोई क्वेश्चन जो है कोई छूट गया है, जैसे आपने रिवॉल्यूशन का फॉर्म के लिए अप्लाई किया, ठीक है। बोर्ड ने सभी की इसकी अलग अलग फीस डिवाइड कर रखी है अलग अलग राज्यों के अनुसार। तो यहाँ पर जैसा रिवॉल्यूशन की अगर बात करें तो रिवॉल्यूशन में जैसे अगर आपका कोई मार्क्स है वो जैसे मतलब कोई क्वेश्चन है वो छूट गया है, उसमें मार्क्स नहीं जोड़े गए हैं, तो उसमें है जो मार्क्स दिया जाएगा, मतलब आप हैं जो स्पेसिफाइड करके आपका जो क्वेश्चन नंबर है, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 या फिर क्वेश्चन नंबर 1 आपको चेक करवाना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आपका है जो रिवॉल्यूशन का फॉर्म फिल किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो रिवॉल्यूशन की जो फॉर्म होती है उसकी प्रोसेस आपकी कॉपी में अप्लाई होती है। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 18 रिचेक करने के लिए रिवॉल्यूशन करवाने के लिए दिया, तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 ही केवल चेक होगा। अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से इसकी अलग अलग फीस डिवाइड होती है दोस्तों, ठीक है। इससे संबंधित कमेंट हो तो आप नीचे कर दीजिएगा सब्सक्राइब बटन दबा के। उसके बाद बात आती है रिचेकिंग की। रिचेकिंग में आपकी कॉपी में वो होता है कि जैसे मान लो आपकी कॉपी है जो उसमें पूरी की पूरी दोबारा रिचेक होगी, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन आपका है या फिर कोई आंसर जो आपका को आंसर सीट में है वो अगर आपका है वहाँ पर चेक हो रहा है लेकिन मार्क्स नहीं दिए गए हैं, या फिर है जो कोई क्वेश्चन चेक ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो सारी की सारी जो डिटेल्स होती है रीचेक, मतलब उसको दोबारा पुनः चेक किया जाता है आपकी कॉपी को दोस्तों, ये होती है रीचेकिंग। अब यहाँ पर बात आती है रिटोटलिंग। रिटोटलिंग में क्या होता है, रिटोटलिंग में ये होता है जब आप रिटोटलिंग का फॉर्म भरते हो तो वहाँ पर आपको है जो जो आपके मार्क्स जो पहले से ऑलरेडी दिए गए हैं उनको है जो रिटोटल किया जाता है, दोबारा उनको गिना जाता है केवल, ये रिटोटलिंग होता है एक प्रकार से। आपके मार्क्स की दोबारा जो गणना होती है वो रिटोटलिंग होता है। उसके बाद है जो बात आ जाती है जैसे कि आपकी कॉपी आपको मंगवानी है, ठीक है, तो उसके लिए भी है जो आप अपनी कॉपी को घर पे मंगवा सकते हो आराम से, या फिर आप ऑनलाइन उसे देख सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन पे ही, तो उसमें है जो आप फिर हैं जो उसके माध्यम से थोड़ा क्लेम कर सकते हो आपकी भाई ये क्वेश्चन एकदम एग्जैक्टली राइट है। जब आप अपनी कॉपी मंगवाओगे तो उनके ऊपर है जो थोड़ा सा डिप्रेशन आ जाता है, क्योंकि अगर वहाँ पर लड़के का अगर है जो क्वेश्चन सही रहता है आंसर सही रहता है तो वहाँ पर उसके पास एक प्रूफ हो जाता है कि मुझे है जो वाकई में गलत आंसर दिया गया है। लेकिन जो रिवॉल्यूशन रिचेकिंग और रिटोटलिंग है इन सबसे ज़्यादा जो फीस लगती है वो कॉपी जेरोक्स मंगवाने में लगती है दोस्तों। अब आपको मैं लेकर आता हूँ कि मार्क्स किस में बढ़ने के चांसेस रहते हैं। मार्क्स बढ़ने का जो मैटर है वो मार्क्स इसी के तय या फिर इसी के अंडर में बढ़ते हैं। अगर आपको अपनी कॉपी में प्रॉब्लम है, सबसे पहली बात तो प्रॉब्लम होना चाहिए कि आपके मार्क्स नहीं बढ़े, ठीक है। उसके बाद है जो आपको उस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको है जो उस सब्जेक्ट में जो है कॉन्फिडेंस है या नहीं, या फिर जो आपका जो आंसर था वो आंसर सीट जो थी आपकी वो कैसे थी दोस्तों, इससे संबंधित है ये। अगर आपको कॉन्फिडेंस था और अगर आपने आपके आंसर मैच कर लिए हैं, दोबारा पेपर देख के भी आपके पास पेपर पड़ा होगा, दोबारा आंसर मैच किए हैं, माइंड से मैच करना होगा वो, तो आपके हैं जो ज़रूर है आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और मार्क्स घटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं या फिर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर मार्क्स जो हैं वो लगभग दोनों ही 50-50 डिपेंड करता है। आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं या फिर हैं इंक्रीज़ भी हो सकते हैं या फिर डिक्रीज़ भी हो सकते हैं, डिपेंडेड ऑन योर राइटिंग या फिर डिपेंडेड ऑन योर राइटिंग स्किल और योर आंसर सीट। ये डिपेंड करता है आपकी उत्तर पुस्तिका जो है और उसके बाद जो आपकी लिखावट शैली है उसके ऊपर दोस्तों। अगर आपकी लिखावट ख़राब है और एग्जामिनर जो चेक करने वाला है उसके समझ में ही नहीं आ रही, हालांकि आपका क्वेश्चन आपके रिकॉर्डिंग आपके राइटिंग के अनुसार सही है, लेकिन अगर उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो वो किस में नंबर देगा। अभी आपको मान लो मैं कुछ लिख के दे दूँ, ठीक है, और आपको वो क्वेश्चन 5 नंबर का है या फिर 7 नंबर का है, और फिर मेरी राइटिंग मेरे खुद के समझ में आ रही है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग खुद के भी समझ में नहीं आती, ठीक है, अब मेरी राइटिंग लेकिन मेरे को समझ में आ रही है, मैं ये वाली सिचुएशन दे रहा हूँ आपको। अब आपको है जो वो राइटिंग समझ में नहीं आ रही है और मेरा जो आंसर है वो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, मैं उसको सुना भी सकता हूँ आपको बोल कर, लेकिन वहाँ बोर्ड में बोल कर सुनाने की तो कोई मतलब ये एबिलिटी चेक की नहीं जाती, तो वहाँ पर अगर उसके कुछ समझ में ही नहीं आएगा या फिर आपको मेरी राइटिंग बिल्कुल समझ में नहीं आएगी तो आप उसमें नंबर दोगे किस में, ठीक है। और एक बात आती है कि नंबर है जो अगर कोई बच्चा है जैसे कि उसको है जो उसकी पूरी की पूरी कॉपी है जो ब्लैंक है खाली है, उसने कुछ कोई से भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं लिखा है, तो अगर बोर्ड उसको
पास करना भी चाहे तो किस हिसाब से वो पास करेगा उसको, आप थोड़ा सोचिएगा इस बारे में। अगर आपने है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन पैसेज है इंग्लिश में फर्स्ट 7-8 नंबर का जो आता है, उसमें अगर आपने क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया है तो उसमें मार्क्स आपके आएंगे कहाँ। और लेकिन अगर आप उसमें ट्राइंग टू आंसर कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो आंसर देने की और कुछ किया है आपने, तो वहाँ पर वो 7 में से ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 नंबर तो ज़रूर दे सकता है दोस्तों। या फिर अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन किया है तो 7 में से 7 भी आएगा। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो विच मीन्स वाले जो सिमिलर वर्ड जो ऑपोजिट वर्ड आते हैं, तो वहाँ पर हैं जो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके बाद हमारी बात आ जाती है इसकी फ़ीस को लेकर। तो फ़ीस जो है इसकी अलग अलग राज्यों में है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रिवोल्यूशन, रीचेकिंग, रिटोटलिंग और उसके बाद जो है फोटोकॉपी, अलग अलग चार्जेस इसके लिए जाते हैं। और जो रिवोल्यूशन और रीचेकिंग की जो फॉर्म होते हैं, ये जैसे ही कोई सा भी बोर्ड हो ऑल इंडिया में, जैसे ही आपका रिजल्ट आता है उसी के या तो उस दिन से फिल होने लग जाते हैं या फिर उसके अगले दिन से ही फिल होने लग जाते हैं। और जबकि RBSC का क्या है, RBSC ने अभी जो साइंस को वाला था उनका ये क्या है, रिजल्ट आने के 10 दिन बाद तक है जो इसको फॉर्म फिल किया जाता है, ठीक है। RBSC ने क्या किया इस बार है जो केवल 7 दिन किए ड्यूरिंग ये लॉकडाउन है COVID-19 के रीजन से, इनकी वजह से। तो यहाँ पर लेकिन जो समय सीमा होती है वो 10 दिन की होती है, लेकिन अगर 10 दिन में भी आप अगर लेट हो जाते हो तो उसके बाद आपको 5 दिन और भी दिए जाते हैं। लेकिन जिनमें आपको 5 दिन में आपको लेट फीस आपको लगती है उसमें थोड़ा सा चार्जेस आपको ज़्यादा लगता है दोस्तों। अब इसके बाद बात आ जाती है हमारे कि रिवोल्यूशन और रीचेकिंग करवाना बेस्ट रहेगा या फिर नहीं, तो ये डिपेंड करता है आपकी आंसर शीट, ये जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ दोस्तों। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी और कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल अपडेट रह सकते हैं। या फिर आपके कोई से भी यूनिवर्सिटी, कोई सा भी बोर्ड हो XYZ, अगर आपको उसमें है जो इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपकी प्रॉब्लम है, तो हम हैं जो आप नीचे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जो रिसेंट कमेंट्स होते हैं तो वहाँ पर हम रिसेंट सब्सक्राइबर भी देखते हैं, हाल ही में जिसने कमेंट किया और हाल ही में जिसने सब्सक्राइब किया। उसके बाद हैं जो हमारे जो प्रोसेस होते हैं वो अंडर रिव्यू में, आपके जो आपका जो कमेंट रहेगा वो अंडर रिव्यू में रहेगा 7 मिनट के लिए। 7 मिनट के अंदर अंदर है जो आपका लगभग विद इन 15 मिनट के अंदर अंदर आपका आपका आंसर है जो फिर आपका हमारा जो सजेशन है हमारी पूरी जस्ट इंग्लिश टीम का वो आपके सामने होगा दोस्तों। तो ज़रूर दबाइएगा सब्सक्राइब बटन, थैंक यू सो मच। अगर आप दोबारा मुझे देखना चाहते हो तो ज़रूर दबाइएगा सब्सक्राइब बटन, थैंक यू सो मच।